गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और अब तो क्या है, अब तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, ठीक है। और कुछ बच्चों की जो यहाँ पे वर्कबुक में जो कुछ बाकी है ना, वो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, उसमें से आप लिख लेना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसका जो आपको एग्जाम है, जो पेपर स्टाइल जैसे कि आपके पूछने वाला है ना, वैसे ही पेपर स्टाइल से हम आपको यहाँ पे रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकाले, क्या निकालनी है, नोटबुक। ये जो रिवीजन आपको यहाँ पे करवाते हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर आपको लर्न करना है, ठीक है। और एग्जाम में इसी में से, मतलब कि जो आपको जो पेपर स्टाइल दी गई ना, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको रिवीजन कराएंगे और आपको उस क्वेश्चन के आंसर लर्न करने है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने इंग्लिश की नोटबुक निकाले, नोटबुक में सभी बच्चों को मेरे साथ रिवीजन करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पे रिवीजन पार्ट वन ऐसे यहाँ पे लिखना है, लिख लिया नोटबुक में। अभी आपको क्या करना है, अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। तो सभी बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, answer the questions। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमें दिए ना, उसके हमें आंसर लिखने है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट तक के जो भी आंसर क्वेश्चन है, वो हम रिवीजन में ले लेते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरे साथ लिखना है, फर्स्ट नंबर करके लिखेंगे what does the child want to do, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what does the child want to do? हमने ऑलरेडी कंप्लीट सब कुछ कर लिया, ये हमारा रिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रिवीजन करवाते हैं ना, वो आप सभी बच्चों को लर्न करना है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में आपको इसी में से पूछेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मैडम ने लिखवाया है उसी में से ही पूछेंगे आपको। वर्कबुक में सभी जो आपको वर्कबुक में सभी क्वेश्चन के आंसर दिए, वो सभी आपको लर्न करने हैं। हम तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, ये हमारा रिवीजन है, ठीक है। तो आपको ये भी लर्न करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो सभी बच्चे लिखेंगे मेरे साथ, द चाइल्ड वांट्स टू प्ले आउटसाइड। अभी है क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी लिखना है, ये हमारी वर्कबुक नहीं, ये हमारा रिवीजन है, इसीलिए सभी बच्चों को मेरे साथ क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। सेकंड नंबर, वेयर वॉज द मैजिक गार्डन, मैजिक गार्डन कहाँ पे था, चलो चलो मुझे आंसर दो, कहाँ पे था, यस स्कूल प्लेग्राउंड में था ना। तो सभी बच्चों को मेरे साथ आंसर लिखना है, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। नंबर थ्री, वू वेर दी लिटल गार्डनर्स, कौन कौन से लिटल गार्डनर्स थे, चिल्ड्रन। तो इसमें हम लिखेंगे, they were the children from the school। यहां तक समझ में आया ना, सभी बच्चों को भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर,
क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, व्हाट आर दी बर्ड्स थिंकिंग, व्हाट आर दी बर्ड्स थिंकिंग, तो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, दी बर्ड्स आर थिंकिंग ऑफ दी वे पीपल ग्रो। अभी है नंबर फाइव, व्हाट डू पीपल नॉट ग्रो क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? यस विंग्स, क्या आएगा? विंग्स। पीपल Do not grow wings. Number six. What do people not like? क्या? तो हमारा आंसर आएगा, people do not like sitting on wires and things। ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन हुए? सिक्स हुए ना। अभी हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, वेयर इज द अकॉन हिडन, तो यहां पे हमारा क्या आंसर आएगा? द एक्रॉन इज hidden deep into the earth। ठीक है, समझ में आया ना सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन के आंसर देखो, वर्कबुक में जो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखा है वो तो आपको लर्न करना ही है, लेकिन ये रिवीजन है। ओके, तो ये क्या है, इसमें से मुझे जो मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन हमें जो दिख रहे थे ना, ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है, एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वो जो हमें ऐसा लगता है कि जो जो IMP हमें लगता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, वो मैंने रिवीजन में लिए है। तो वो तो आपको लर्न करना ही है, लेकिन रिवीजन का भी आपको लर्न करना है, इसमें से भी क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट वन यहीं तक का था, पार्ट वन में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।